हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टेक्निकल ब्रदर्स में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स और कुछ जीके के क्वेश्चंस के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे हर वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, आपको एक और बात बता दें कि अगर आप में से किसी को भी सोलर पावर प्लांट के रिगार्डिंग कुछ भी क्वेरी हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए फ़ोन नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, श्याम श्रीनिवास फिर किस बैंक के एमडी एंड सीईओ बने हैं? हमारे ऑप्शंस हैं ए यूको बैंक, बी फेडरल बैंक, सी बंधन बैंक या डी पीएनबी। तो दोस्तों, हमारा करेक्ट आंसर है बी फेडरल बैंक। दोस्तों, फेडरल बैंक की स्थापना 23 अप्रैल 1931 में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोज क्रिस्टिन ओसुका रपांडा किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? हमारे ऑप्शंस है ए रूस, बी गैबन, सी युगांडा या डी मलेशिया। तो दोस्तों, हमारा करेक्ट आंसर है बी गैबन। दोस्तों, गैबन अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एक देश है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने IL-76 विमान के लिए P-7 हैवी ड्रॉप सिस्टम विकसित किया है? हमारे ऑप्शंस हैं ए इसरो, बी नासा, सी DRDO या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, हमारा करेक्ट आंसर है सी DRDO। दोस्तों, DRDO की फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, कोचिंग शिपयार्ड ने इलेक्ट्रॉनिक जहाज़ों के निर्माण के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? हमारे ऑप्शन है ए ब्राज़ील, बी ईरान, सी नॉर्वे या डी इराक। तो दोस्तों, हमारा करेक्ट आंसर है सी नॉर्वे। दोस्तों, नॉर्वे एक यूरोप कॉन्टिनेंट का देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 में ट्रिब्यूट एक्टर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? हमारे ऑप्शंस है ए सुधा शर्मा, बी उमाकांत जोशी, सी सौरभ कुमार या डी केट विंसलेट। तो दोस्तों, हमारा करेक्ट आंसर है डी केट विंसलेट। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य वेस्ट टू एनर्जी नामक पहल के तहत कचरे से बिजली बनाएगा? हमारे ऑप्शंस है ए उत्तर प्रदेश, बी मिजोरम, सी असम या डी उत्तराखंड। तो दोस्तों, हमारा करेक्ट आंसर है डी उत्तराखंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय को टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? हमारे ऑप्शंस है ए प्रियंका चोपड़ा, बी आलिया भट्ट, सी दीपिका पादुकोण या डी सोनाक्षी सिन्हा। तो दोस्तों, हमारा करेक्ट आंसर है ए प्रियंका चोपड़ा। दोस्तों, टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की स्थापना 1976 में हुई थी। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में पहला ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम शुरू किया गया है? हमारे ऑप्शंस है ए आंध्र प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी हरियाणा या डी राजस्थान। तो दोस्तों, हमारा करेक्ट आंसर है ए आंध्र प्रदेश। दोस्तों, इसका मेन मोटिव शिक्षा को बढ़ावा देना है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भुगतान एप्लीकेशन ने भारत का पहला नंबरलेस कार्ड लॉन्च किया है? हमारे ऑप्शंस है ए गूगल पे, बी फैम पे, सी फोन पे या डी पेटीएम। तो दोस्तों, हमारा करेक्ट आंसर है बी फैम पे। दोस्तों, इसमें बच्चे ऑनलाइन और ऑफलाइन पेमेंट कर सकते बिना किसी कागजात के, और इसमें बैंक अकाउंट होना भी ज़रूरी नहीं। अगले क्वेश्चन तो बढ़ते हैं। हमारा 10th क्वेश्चन है, SBI कार्ड्स और पेमेंट सर्विसेज के MD और CEO कौन नियुक्त हुए हैं?
हमारे ऑप्शंस हैं ए आदित्य कुमार, बी अश्विनी कुमार तिवारी, सी सौरभ कुमार या डी सुधा शर्मा। तो दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर है बी अश्विनी कुमार तिवारी। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में स्मृति वन का उद्घाटन किया गया है? हमारे ऑप्शंस है ए उत्तर प्रदेश, बी राजस्थान, सी कर्नाटक या डी उत्तराखंड। तो दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर है डी उत्तराखंड। दोस्तों यह जीत सिंह नेगी की पुण्य स्मृति पर बनाया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने राजनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व विकसित करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? हमारे ऑप्शंस है ए रूस, बी अमेरिका, सी फ्रांस या डी ब्राज़ील। तो दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर है बी अमेरिका। दोस्तों अमेरिका उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने 700 मील की आजाद पठान जल विद्युत परियोजना के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? हमारे ऑप्शंस है ए ब्रिटेन, बी रूस, सी चीन या डी ईरान। तो दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर है सी चीन। दोस्तों चीन एशिया महाद्वीप में ही स्थित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने मधुबाबू पेंशन योजना के तहत ट्रांसजेंडर समुदाय को शामिल किया है? हमारे ऑप्शंस है ए केरल, बी बिहार, सी पंजाब या डी ओडिशा। तो दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर है डी ओडिशा। दोस्तों ओडिशा की स्थापना 1 अप्रैल 1936 में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जब बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, DCGI ने भारत में पहली बार किस बीमारी की वैक्सीन को पूरी तरह से मंजूरी दी है? हमारे ऑप्शंस है ए निमोनिया, बी मलेरिया, सी कैंसर एंड ए एल्बिनिज्म। तो दोस्तों अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर देना, लाइक करके सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और आपको फिर से बता दें, अगर आपको सोलर पावर प्लांट के रिगार्डिंग कुछ भी क्वेरी हो तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए फ़ोन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। चलो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।